हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 की इंग्लिश बुक से चैप्टर 7, द ओपन विंडो। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट। फ्रैम्पटन नटल जो थे वो रूरल रिट्रीट क्यों आए। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ नर्व डिसऑर्डर एंड वॉज वरीड अबाउट हिज हेल्थ कंडीशन। जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल थे वो उनको एक नर्विंग जैसा होता है ना, नर्व डिसऑर्डर था, और इसकी वजह से उनको हमेशा अपने हेल्थ की चिंता लगी रहती थी। हिज डॉक्टर रिकमेंडेड हिम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हिज सिटी लाइफ। जो शहरी जिंदगी होती है ना, इससे थोड़ा एक ब्रेक की जरूरत है, ऐसा उनके डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया। हैज ही हैड कम टू द रूरल रिट्रीट एज अ मेजर टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर हिज नर्व प्रॉब्लम इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री साइड। इसीलिए वो जो है रूरल रिट्रीट आए, एक तरह का कदम था ताकि वो जो है अपने नर्व प्रॉब्लम जो है उसका एक तरह से इलाज कर सके बिल्कुल शांत वातावरण में गांव के। Why had his sister given him letters of introduction to the people living there? उनकी बहन ने उनको कुछ ऐसे लेटर्स क्यों दिए जो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन थे उन लोगों के लिए जो वहां रहते थे। नटल डिड नॉट नो द पीपल इन द कंट्री साइड। अब नटल को किसी भी गाँव के आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। Hence his sister gave him letters of introduction to the people living there so that he would not feel lonely and isolated while he visited the countryside for his nerve ill treatment. Unki sister ne jo hai unko letters of introduction jo hain wo jo log wahan rehte the unke diye taki wo jo hai wahan par akela na feel kare ya unko jo hai isolated sa na lage, ekant sa na lage jab wo countryside visit kare apne jo nerve treatment hai uske liye. She was aware that he would speak less and his nerve disorder would go get worse from mopping. उन्हें पता था कि ये वैसे भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं और इनका जो नर्व डिसऑर्डर है वो और ज्यादा परेशानी या समस्या ना खड़ी कर दे। वन अमंग ऑफ दोज लेटर्स वाज द इंट्रोडक्शन वाज ऑफ मिस सैपल्टन। इनमें से एक लेटर जो इंट्रोडक्शन का था वो था मिसेस सैपल्टन का। व्हाट हैड हैपेंड इन द सैपल्टन फैमिली एज नैरेटेड बाय द नीस। सैपल्टन फैमिली में क्या हुआ था जैसा कि नीस ने बताया। द नीस टोल्ड मिस्टर नटल दैट अराउंड 3 इयर्स अगो Mrs. Sappleton's husband and other two young brothers went off for their day's shooting. Niece ने जो है Mr. Nuttall से कहा कि 3 साल पहले Mrs. Sappleton के husband और उनके दोनों छोटे young भाई जो थे वो shooting के लिए गए थे। They never returned. वो कभी वापस नहीं आए। While they were crossing the moor to their favorite shooting ground, all three of them were engulfed in a treacherous piece of rock. जब वो लोग जो हैं उस इलाके को पार कर रहे थे, मुअर यानी कि एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे थोड़ी थोड़ी लैंडस्केपिंग के नाम पे घास होती है, तो वहां को उसको क्रॉस करके वो अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड पे जा रहे थे, तभी तीनों के तीनों जो हैं एक ऐसे एरिया में फंस गए जो दलदल टाइप का था। इट वॉज डिफिकल्ट ड्रेडफुल वेट समर एंड इवन द प्लेसेस दैट वर वंस सेफ इन द अदर इयर्स सडनली गेव वे विदाउट एनी वार्निंग। अब कहने को जो है बारिश का मौसम था और दूसरा इस तरह की जो प्लेसेस होती हैं वो वैसे पता नहीं कितने सालों तक उनमें कुछ नहीं होता, सेफ होती हैं, पर अचानक से वो जो हैं एक तरह से डेंजरस बन जाती हैं बिना किसी वार्निंग के। हाउएवर देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड। और उनकी बॉडीज जो हैं कभी नहीं मिली। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। व्हाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइल्डली। फ्रैम्पटन जो है बहुत तेजी से बाहर क्यों भागे। वीरा टोल्ड मिस्टर नटल दैट हर आंट मिसेस सैपल्टन हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स वर मिसिंग फॉर 3 इयर्स। वीरा ने वैसे ही मिस्टर नटल को बताया था कि 3 साल पहले जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं और जो उनके दोनों भाई थे वो शिकार पे गए थे, पर वो 3 साल से गायब हैं। When Frampton saw a silhouette of 3 men with guns and a dog in the midst of the evening light, he thought these were the ghosts and rushed out wildly in a fear. अब जब फ्रैम्पटन ने एक तरह से उनकी काली परछाई सी देखी तीनों लोगों की, जिनके हाथ में गन थी और एक उनके बीच में कुत्ता चल रहा था, और शाम की जैसे होती ना हल्की हल्की अंधेरा सा होने लग गया था, तो उनको लगा कि ये तीनों के तीनों घोस्ट हैं और वो जो हैं बहुत तेजी से डर के मारे बाहर भागे। द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड हिज सीट। व्हाट डिड ही सी। जो चेहरा था लड़की का उसके उस पे जो एक टेरिबलनेस दिखती है, हॉरर दिखता है, उसकी वजह से फ्रैम्पटन जो है वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, अपनी सीट से एक तरह से जैसे हिल रहे थे। What did he see? उन्होंने क्या देखा? When Frampton turned around his seat, after seeing the horror on the girl's face, he noticed a silhouette of 3 men with guns and a dog in the midst of the evening light. जब Frampton ने मुड़कर देखा अपनी सीट से, तो
क्योंकि चेहरे पे लड़की के बहुत ज्यादा घबराहट दिख रही थी। तो उन्होंने जब मुड़ के देखा तो देखा कि तीन लोगों की जो छाया है, गन्स जिसके हाथों में है, वो चले आ रहे हैं और बीच में एक कुत्ता भी है और बाहर जो है थोड़ा सा डिम सा अंधेरा था। देन देयर वाज अ होर्स यंग वॉइस दैट कॉल्ड आउट टू द डॉग। तभी एकदम से जो है एक आवाज आई यंग सी जिसने डॉग को आवाज लगाई। सीइंग दिस नटल एग्रीड टू दिस डिस्क्रिप्शन गिवन बाय वीरा एंड रियलाइज्ड दैट इट वाज इंडीड राइट। और इसको देखने के बाद नटल को पूरी तरह से लग गया कि हाँ जो भी वीरा बता रही थी वो बिल्कुल सही है और वो जो है जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। व्हाई डिड फ्रैंटन रश आउट वाइल्डली। एकदम से फ्रैंटन जो है तेजी से क्यों भागे। वीरा टोल्ड मिस्टर नटल दैट हर आंट मिसेस सैपल्टन हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स वर मिसिंग फॉर 3 इयर्स। वीरा ने जो है मिस्टर नटल को बताया कि उनकी जो आंट है मिसेस सैपल्टन, उनके हस्बैंड और उनके दोनों यंग ब्रदर्स जो है 3 साल से गायब हैं। When Frampton saw a silhouette of 3 men with guns and dog in the midst of the evening light, he thought that they were the ghost and rushed out wildly in fear. और जब उन्होंने जो है परछाई देखी, एक तरह से काली सी परछाई देखी तीनों आदमियों की जिनके हाथों में बंदूकें थी और उनके बीच में एक कुत्ता भी था शाम के धुंधले उसमें, तो वो समझ गए कि ये तीनों ना हो घोस्ट हैं और वो जो है बहुत तेजी से डर के मारे उनके घर से निकल गए। What was the girl's explanation for his lightning exit? अब वो जो इतनी तेजी से निकल कर भागे उस पर गर्ल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। द गर्ल एक्सप्लेन्ड दैट फ्रैम्पटन हैड मेड अ लाइटनिंग एग्जिट बिकॉज ऑफ द स्पैनियल डॉग। उन्होंने कहा शायद उस डॉग की वजह से वो जो है बहुत तेजी से भागे हैं। शी मेंशन्ड दैट नटल टोल्ड हर दैट ही हैड हॉरर ऑफ डॉग्स। उन्होंने कहा कि नटल ने मुझे भी बताया था कि उन्हें डॉग से बहुत डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इन अ सेमेट्री वेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस बाय अ पैक ऑफ डॉग्स एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रीचर्स स्नार्लिंग एंड ग्रिनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम। उन्होंने बताया था एक बार जो है उनको जो है सिमेट्री में जब कहीं गंगा नदी के किनारे एक कुत्तों के झुंड ने जो है एक तरह से पकड़ लिया था और घिर गए थे, तो उनको मजबूरी में पूरी रात जो है एक नई जो खुदी हुई कब्र होती है उसमें गुजारनी पड़ी थी जिसमें उनके ऊपर जो है बहुत सारे जो डॉग्स थे वो जैसे कहते ना आवाजें निकालते हुए गुस्सा होते हुए उसके उनके ऊपर वहां पर खड़े हुए थे आसपास। Hence at that time when he heard the spaniel bark outside, he left the place in a lightning speed. और जब उसने देखा कि एकदम से कुत्ते की भौंकने की आवाज आई तो बहुत तेजी से वहां से निकल गए। अब आई डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। इज दिस अ मिस्ट्री स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये कोई एक रहस्यमयी कहानी है? आंसर बताइए। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द मिस्ट्री ऑफ द बिग ओपन फ्रेंच विंडो, मिसेस सैपल्टन्स नीस क्रिएटेड द इमेजिनेटिव स्टोरी विद अ मिस्ट्रियस बैकड्रॉप। ये जो इतनी बड़ी ओपन फ्रेंच विंडो थी इसकी रहस्यमयी एक बात को समझाने के लिए जो मिसेस सैपल्टन की नीस थी उसने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी मिस्टीरियस बैकड्रॉप लेकर। लेटर व्हेन द 3 men विद गन्स अराइव्ड विद द डॉग, इट मेड फ्रैंटन बिलीव दैट ही हैड सीन घोस्ट एंड ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस वाइल्डली इन फियर। और जब उन्होंने देखा कि 3 आदमी जो हैं वो गन्स के साथ और डॉग के साथ वापस आ रहे हैं तो उससे फ्रैंटन को ये विश्वास हो गया कि उन्होंने घोस्ट देख लिए हैं और वो जो है बहुत तेजी से डर के मारे घर से बाहर निकल गए। Hence we can say the story of the open window contains the elements of mystery. इससे लगता है कि हाँ ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिस्ट्री से रिलेटेड है। यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन द स्टोरी। रिमेंबर द कॉप एंड द एंथम इन क्लास 7th सप्लीमेंट्री रीडर। विच सिचुएशन इज द ओपन विंडो आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ आयरनी। अब कौन से आपको इसमें जो है सिचुएशन ऐसी लगती है जो बेस्ट एग्जाम्पल्स है आयरनी की। आयरनी रिफर्स टू सिचुएशन इन विच समथिंग वाज सपोज टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी इट हैज एन अपोजिट और डिफरेंट रिजल्ट। आयरनी यानी ये कहते हैं ना कि किस्मत होती है कि जब क्या कहते हैं एक ऐसी हम सोचते हैं कि सिचुएशन अब ऐसी होगी जिसका नतीजा ये निकलेगा, उल्टा कुछ और ही हो जाता है और नतीजा कुछ और निकल जाता है। इन द स्टोरी द ओपन विंडो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल गोज टू विजिट द कंट्री साइड विद द होप टू फाइंड अ क्योर फॉर हिज नर्व एलमेंट। वो अपनी जो नर्व्स की बीमारी थी उसके लिए जो है इलाज करने की उम्मीद से गांव आए थे। बट व्हेन मिसेस सैपल्टन नीस प्लेस अ प्रैंक ऑन हिम, ही कुड नॉट डील विद फियर एंड मेक अ लाइटनिंग एग्जिट फ्रॉम दैट प्लेस। पर जब मिसेस सैपल्टन की नीस ने जो है उसके ऊपर एक तरह से प्रैंक खेला तो वो उसको झेल नहीं पाए और वो डर के मारे वहां से बहुत तेजी से निकल गए। He made mistakes, Mrs. Appleton's husband and her 2 young brothers to be the ghost and leave the house without bidding a goodbye to her. और Mrs. Appleton के husband
और उनके दोनों भाइयों को उन्होंने एक तरह से घोस्ट समझा और वो बिना गुड बाय बोले ही घर से बाहर निकल गए। Which phrases sentences in the text do you find difficult to understand? Select a few and guess the meaning of each. Rewrite the simple paraphrase of each. अब आपको बताने कौन से इसमें ऐसे phrases या text थे जो आपको समझने में मुश्किल हुई। उनमें से कुछ आप सब select करिए और उनके meaning बताइए। Masculine habitation. This implies that some male persons used to live in the room. यानी कि masculine habitation जहाँ पर men जो हैं वो रहते हैं एक particular room में। Bertie. Why do you bound? The word bound means to jump or leap. अब bound का मतलब होता है उछलना। But in the story, it refers to Ronnie, Mrs. Sappleton's youngest brother, who would often say this to scare her. और यहाँ पर ये जो है स्टोरी में रॉनी को रेफर कर रहा है जिसमें जो कि मिसेस सैपलटन का यंगेस्ट ब्रदर है और वो हमेशा उनको डराने के लिए ऐसा कहता है। Came into the nice division. यानी कि This refers to nice people, अच्छे लोगों के बीच में आना। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।